अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शहजाद बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। आज मेरा चक्कर लगा है DHA Phase 7 में, तो इस साइड पर जो छत का पत्थर है ना वो तकरीबन लग चुका है, तो इसकी जो है ना वो स्कर्टिंग रहती है और टैंकी के नीचे जो है वो रहता था। मिस्त्री साहब से कल बात हुई, वो कह रहे थे कि टैंकी के नीचे पत्थर लगाना जो है बहुत मुश्किल है। तो मिस्त्री से बात करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मिस्त्री साहब से बात करेंगे, पूछते हैं और कि कैसे वो पत्थर लगा रहे हैं, कितना मुश्किल है, आसान है, क्या चीज़ है, उससे बात करते हैं। और मिस्त्री साहब नज़र तो नहीं आ रहे हैं, ये टैंकी है और इसके नीचे जो है पत्थर लगाना पड़ रहा है मिस्त्री को, बहुत ही मुश्किल काम है। मिस्त्री नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं कि कहीं से वो हमें नज़र आ जाए, इधर से शायद नज़र आ जाए। ये देखें मिस्त्री साहब नीचे जो है ना बड़ी मुश्किल से लगा रहे हैं और मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मिस्त्री साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब, ठीक है? हाँ जी ठीक, माशाल्लाह। टैंकी के नीचे पत्थर लगा रहे हैं? हाँ जी, टैंकी के नीचे पत्थर लग रहा है। मुश्किल है या आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है मिस्त्री साहब कह रहे हैं जी, बहुत मुश्किल काम है। ये देखे नीचे जो है ना लेट कर पत्थर लगा रहे हैं, कितना मुश्किल काम है। ऊपर टैंकी की छत है और नीचे जगह बहुत कम है और पत्थर माशाल्लाह से लगाया जा रहा है टैंकी के नीचे। वैसे हमने कभी ऐसा काम किया नहीं, टैंकी के नीचे पत्थर कभी नहीं लगाया, बस सादा फर्श ही डाल देते हैं, लेकिन जहां हमें जो है ना पत्थर लगाना पड़ रहा है तो बहुत मुश्किल काम है। टैंकी के नीचे पत्थर लगाना जो है ना बहुत मुश्किल काम है, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क फॉर मेसन। ये देखें ये पत्थर लगाया जा रहा है टैंकी के नीचे, बिल्कुल टैंकी के ना नीचे, ये देखें जगह बहुत ही कम है, 1.5 फीट जो है ना जगह है और इसके नीचे जो है ये देखें पत्थर लगाया जा रहा है। मिस्त्री साहब ने नीचे जो है ना ये कुछ डाला हुआ है, ये तोड़े वगैरह डाले हुए हैं ताकि जो है ना कपड़े भी ख़राब ना हो और पत्थर भी ये लग जाए। ये देखें ये पत्थर लगाया जा रहा है टैंकी के नीचे। मिस्त्री साहब ये आज ख़त्म हो जाएगा टैंकी के नीचे का काम जो है? हाँ जी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद स्कर्टिंग लगाएंगे जी। मिस्त्री साहब कह रहे हैं इसके बाद जो है वो स्कर्टिंग लगाएंगे और उसके बाद इसका जो है वो फिलिंग करेंगे, फिर नीचे का काम शुरू करेंगे टाइल का और पत्थर जो है जहाँ पर नीचे लगना है वो भी आपको दिखाएँगे जब नीचे शुरू करेंगे। ये टैंकी का जब मुकम्मल हो जाएगा फिर मिस्त्री साहब ये जो है ना साइडों पे यहाँ पे स्कर्टिंग लगाएंगे। स्कर्टिंग जो है वो 5 इंच की लगा रहे हैं और स्कर्टिंग लगाने के बाद इसकी जो है ना फिलिंग करेंगे मिस्त्री साहब, फिलिंग करके उसके बाद जो है 4-5 दिन बाद इसकी रगड़ाई का काम शुरू हो जाना है, फिर हम जो है वो नीचे टाइल का कुछ सोचेंगे कि क्या करना है उसका। ये टैंकी है और इसके नीचे जो है ये देखिए कितनी कम जगह है जहाँ पे पत्थर जो है वो मिस्त्री साहब लगा रहे हैं। नीचे जो है वो रगड़ाई तो नहीं होगी, रगड़ाई तो बस ये दूसरा एरिया जितना भी है उसी की होनी है, नीचे की रगड़ाई जो है नहीं होगी। पत्थर माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगाते हैं हमारे कारीगर। और मिस्त्री साहब से पूछते हैं कि इसकी मजदूरी कितनी होनी चाहिए। मिस्त्री साहब